क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने बच्चे को अगर किसी पार्टी में लेके गए हैं या गैदरिंग में लेके गए हैं जहाँ लाउड साउंड है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है या क्रैंकी हो जाता है, या फिर अपने कानों पे ऐसे हाथ रख लेता है, या फिर कभी घर में अगर वो अकेला बैठा है तो कुछ भी बोलते जाता है, पास्ट की कोई चीज़ें बोल सकता है, कोई राइम बोल सकता है, कोई गाना गा सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो करे जा रहा है जो कि आपको बॉदर करता है। अगर हाँ, तो ये इश्यूज रिलेटेड हो सकते हैं ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से। आज के इस वीडियो में हम ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ उससे पावरफुली डील करने के लिए कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। Hi, welcome back to Singham. Sensory processing disorders, जिसके बारे में हम एक सीरीज बना रहे हैं, उसे आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये डिसऑर्डर सुनने से रिलेटेड है, यानी कि हमारी सुनने की सेंस में क्या प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिससे बच्चे में बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। जैसे बाकी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स में होता है, या तो बच्चा ओवर सेंसिटिव हो सकता है या अंडर सेंसिटिव हो सकता है। ओवर सेंसिटिव के केस में, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, आप पाएंगे कि बच्चे को हर छोटी नॉइज डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है, या जैसे कि मिक्सी का साउंड, कुकर की विसल का साउंड, इवन बलून बस्ट हुआ तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। कोई लाउड म्यूजिक है, डीजे चल रहा है कहीं पर फंक्शन में, या बर्थडे पार्टी है, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, नॉर्मली आप देखेंगे कि बच्चे अपने कानों को ऐसे बंद कर लेते हैं या शोल्डर्स के थ्रू ऐसे बंद करेंगे। दे वुड क्राई, अगर बहुत छोटे हैं बता नहीं पा रहे हैं, दे वुड बी इरिटेटेड, क्राई, दे मे रोल ऑन द फ्लोर और वॉन्ट यू टू टेक अवे फ्रॉम दैट प्लेस, भागना चाहते हैं वहां से किसी भी तरीके से। उनके लिए ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन हो जाती है जिसमें बच्चा अपने आप को अडेप्ट करना नहीं जानता, बस उसके लिए जो ये साउंड्स हैं नॉइज की तरह अपीयर होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेन की तरफ ये साउंड्स जा रहे हैं। क्योंकि बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो ये इसकी इंटेंसिटी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बच्चा डर जाता है और काफ़ी आपको इसका रिफ्लेक्शन नज़र आएगा उसकी इरिटेशन, उसकी क्राइंग और उसकी फाइट और फ्लाइट में। जब बच्चा हाइपर सेंसिटिव होता है तो छोटे छोटे साउंड्स भी, जैसे क्लॉक की टिकिंग का साउंड, फ्रिज के चलने का साउंड, इवन दीज साउंड्स इरिटेट द चाइल्ड। और हमेशा बच्चे का ध्यान रहता है कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ऐसे केस में बच्चा फोकस नहीं कर पाता है। हम जो एक्चुअली बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाते क्योंकि बच्चे का फोकस और अटेंशन कहीं और होता है, एंड दिस इम्पैक्ट्स द लर्निंग कर्व ऑफ योर चाइल्ड। हाइपर सेंसिटिविटी के केस में, क्योंकि बच्चा नॉइजेस से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, तो अक्सर पेरेंट्स उसे काम एनवायरनमेंट में रखना प्रेफर करते हैं, विच इज़ गुड टू कीप योर चाइल्ड काम। नॉइज फ्री एनवायरनमेंट में आप जितना रखेंगे उतना बच्चा आपका नॉर्मल बिहेव करेगा, इरिटेट नहीं होगा और उसे अच्छा लगेगा। मगर इन आर ओपिनियन ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज देर आर मैनी नॉइजेस इन द एनवायरनमेंट जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ बाहर अगर कोई लाउड नॉइज है, कोई डीजे बज रहा है, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्टीज में जा रहे हैं तो वहां पर नॉइज आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज स्कूल की बेल रिंग हो रही है जो काफी तेज होती है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जितना हम उससे कट ऑफ बच्चे को करेंगे उतना उसका सोशल एक्सपोजर भी हम कम करते जा रहे हैं। उसे पार्टीज में नहीं ले जा रहे हैं, उसे म्यूजिक के साथ एंजॉय करना नहीं सिखा रहे हैं, तो हम उसका सोशल एक्सपोजर उससे ले रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया। दूसरा एक सिनेरियो भी है जहां बच्चा हाइपो सेंसिटिव यानी कि अंडर सेंसिटिव होता है। इसमें बच्चा या तो लगातार सेल्फ टॉक करता रहेगा या लगातार कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, गुनगुनाता रहेगा, या
आप देखेंगे कि चीजों को बार बार फेंक रहा है अननेसेसरली, या तो टॉयज को जमीन पे फेंक रहा है या जो भी हाथ में चीज मिल जाती है हम फेंक रहा है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। बट अक्सर ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि चीजों को फेंकने से जो नॉइज होती है, क्योंकि वो उसे सीख कर रहा है, साउंड को सीख कर रहा है, तो वो अलग अलग साउंड्स को सीख करने के लिए चीजों को फेंकता है और उसमें उसको मजा आता है, तो उसको साउंड्स उसको अच्छे लगते हैं सुनने में। यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चा आपको बहुत लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करता है, चीजों को फेंक रहा है जैसे मैंने बताया, तो इस तरह की कंडीशंस आप देखेंगे हाइपो सेंसिटिव के केस में। तो हमें क्या करना है ये हमें देखना है। इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हमने देखा इस कि एक्सपोजर हमको स्लो और कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर देकर बच्चे को रेगुलेट करना सिखाना है, अपने बच्चों को इस साउंड के साथ, इस जो अभी नॉइज की तरह अपीयर कर रही है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करनी है जिससे वो अडैप्ट करना सीखे, अपने आप को रेगुलेट करना सीखे इस एनवायरनमेंट में, और ज़्यादा सोशल हो पाए और अच्छे से रिएक्ट कर पाए ऐसे एनवायरनमेंट में। इसलिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को डील करना और उसको रेगुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो आप अपने बच्चे के साथ घर पर ही कर सकते हैं और ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से डील करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। हम अक्सर ये नोटिस करते हैं कि हमारे बच्चे कुछ स्पेसिफिक साउंड से डरते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे कुकर की सीटी का साउंड, या फिर वैक्यूम क्लीनर का साउंड, या फिर जब मिक्सी चलती है तो उसका साउंड, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो इन साउंड्स के साथ बच्चों को अडैप्ट कराने के लिए हमें उनको स्लो कंसिस्टेंट एक्सपोजर देना होगा। इसके करने के कुछ तरीके हो सकते हैं, चलिए एक तरीका देखते हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चे को कुकर की सीटी से डर लगता है या उसकी सीटी का जो साउंड है वो बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब करता है, तो अब इस साउंड के साथ हमने बच्चे को धीरे धीरे अडैप्ट कराना है। अब आप एक काम करेंगे कि कुकर को गैस पे रखेंगे किचन में, और थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, एक किसी रूम में, साथ वाले किसी रूम में बच्चे को ले जाएंगे, जहां पर आप बच्चे के जॉइंट्स को, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं, फिंगर्स, एल्बो, रिस्ट, शोल्डर, सारे जॉइंट्स को धीरे धीरे कंप्रेशन देंगे। जॉइंट कंप्रेशन देने से बच्चे के, बच्चा थोड़ा सा काम होना शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा आराम मिलना शुरू होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो इन अ वे हम बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं अभी जो साउंड अभी कुकर की सीटी का आने वाला है। साथ साथ में आप, ये एक बच्चे के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए, तो बच्चा अगर समझ सकता है चीज़ों को तो आप बताएं भी साथ में कि मम्मा ने गैस पे कुकर की सीट, कुकर रखा है, उसकी सीटी बजे की होगी, तो लेट हिम बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और साथ में उसको हम काम करते रहेंगे, रिलैक्स करते रहेंगे जॉइंट कंप्रेशन के साथ। जब कुकर की सीटी बजेगी उस टाइम पे हो सकता है कि वो बहुत इरिटेट हो, कोई बात नहीं, आप उसके साथ रहिए, उसके जॉइंट्स को कंप्रेस करते रहिए, उसकी बॉडी को हल्का हल्के मसाज करते रहिए, उसको रिलैक्स होने में हेल्प कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे एक सीटी के साथ बच्चा कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। इट मे टेक वन डे, इट मे टेक टू डेज, इट मे टेक वन वीक एज वेल, तो अपना पेशेंस लूज मत कीजिएगा। जब बच्चा एक सीटी के साथ कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद आप दो सीटी पे लेके जाए, फिर तीन सीटी पे लेके जाए, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि बच्चे का जो वो डर है सीटी से, या फिर जो वो उसका जो डिसकम्फर्ट आता था वो कम हो जाएगा, और बच्चा अपने आप को रेगुलेट करना सीख जाएगा उस साउंड के साथ। सिमिलर एक्टिविटी आप डिफरेंट साउंड्स के साथ भी कर सकते हैं, जहां जहां आपको लगता है बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, जैसे हमने बात की थी मिक्सी के साउंड के साथ या वैक्यूम क्लीनर के साउंड के साथ, तो वो भी शुरू में सिर्फ 4 सेकंड का एक्सपोजर दीजिए। जब 4 सेकंड के एक्सपोजर के साथ बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, तो फिर 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, और बच्चे को काम करना वो आप भूलेगा मत, उसको जॉइंट कंप्रेशन देते रहेगा, उसको मसाज देते रहेगा, ताकि बच्चा अपनी सेंसेस को, उसको रेगुलेट करने में उसको आसानी हो, मदद मिले। सो ट्राई दिस एक्टिविटी विद योर चाइल्ड। नेक्स्ट इज ईयर मसाज। आपने बच्चे के कानों पर, दोनों कानों पर ऐसे अपनी पाम से हल्का हल्का प्रेशर देना है, स्लाइट प्रेशर देना है। Keep it for some time, release it. Keep it for some time, release it. ऐसे कम से कम 10 से 15 बार करना है, और दिन में 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है अगर बच्चा
हाइपर सेंसिटिव है तो उसे बहुत हेल्प मिलती है अपने साउंड्स को रेगुलेट करने में, तो ये एक्सरसाइज जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है साउंड एक्सपोजर। इसमें आप बच्चे को डिफरेंट साउंड्स का एक्सपोजर देते हैं जो कि आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मर्जी से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर पे ले सकते हैं, जैसे डफली है, जैसे ढोलक है, या कुछ भी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर अवेलेबल है तो आप उसका एक्सपोजर बच्चे को देंगे उसको बजा के। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बच्चा, हो सकता है उसका इंटरेस्ट इतना डेवलप ना हो, तो इस केस में आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका कोई फेवरेट राइम या कोई फेवरेट सॉन्ग वो भी गा सकते हैं और साथ में वो म्यूजिक बजा सकते हैं और बच्चे को भी मोटिवेट करें साथ में उसको बजाने के लिए, गाने के लिए। तो आप देखेंगे बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट होगी और वो धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर लेगा। पहले आप उसकी इंटेंसिटी, जो भी आप म्यूजिक बजा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत कम रखेंगे ताकि बच्चे के लिए वो डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, बच्चा ओवरवेल्म ना हो जाए। फिर धीरे धीरे करके जब बच्चा उसे एंजॉय करना शुरू कर दे तब आप उसकी इंटेंसिटी को स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू करेंगे। बाय चांस अगर घर पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे जो सिंपल किचन यूटेंसिल्स हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, एक प्लेट और चम्मच की हेल्प ले सकते हैं, उसको बजा सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, या फिर और भी यूटेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को बच्चे के साथ अगर आप ट्राई करेंगे तो आप डिफरेंट साउंड्स का उसको एक्सपोजर दे रहे हैं अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, और साथ में ऐसे साउंड्स जिसमें वाइब्रेशंस भी होती हैं उसका अगर आप एक्सपोजर बच्चे को देते हैं तो बच्चा अपनी सेंसेस को, ऑडिटरी सेंस को रेगुलेट करना बहुत अच्छे से सीखेगा। और बहुत सारी ऐसे साउंड्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में भी हैं, जो कंट्रोल में नहीं भी हैं, उनको भी रेगुलेट करने में बच्चे को मदद मिलेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज वोकल लर्निंग। अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो ऑफ कोर्स वो शायद गाने सुनना या बच्चों की जो राइम्स होती हैं, ई लर्निंग के लिए राइम्स होती हैं, वो सब सुनना वो पसंद नहीं करेगा। तो हमें किस तरह से लर्निंग इंट्रोड्यूस करनी है, तो आप सबसे पहले चूज कीजिए कि बच्चे का फेवरेट राइम, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। अगर कुछ नहीं तो ABCD आप ले सकते हैं। किसी अच्छे राइम में ABCD ही एक टोन में आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कीजिए विदाउट एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। जब वोकल और बैकग्राउंड म्यूजिक एक साथ होता है तो बच्चे के लिए वो ओवरवेलमिंग हो सकता है, और आपकी वॉइस में, क्योंकि आपकी वॉइस से वो फेमिलियर है, तो आप अपनी वॉइस में किसी राइम हो या ABCD को या कोई भी गाना हो, कोई भी सॉन्ग हो, उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और प्ले कीजिए बच्चे के सामने। हो सकता है बच्चे को थोड़ा अच्छा लगे, कभी अच्छा नहीं भी लगे, इट्स ओके। ग्रेजुअली जब आप उसको शुरुआत में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स ओके, आप उसको ग्रेजुअली रोज जब आप प्ले कर रहे हैं, हो सकता है सोते टाइम आप प्ले कीजिए, ग्रेजुअली बच्चा अडेप्ट होने लगेगा। आपकी आवाज के होने की वजह से वो फैमिलियर है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंज नॉइज नहीं है, और उसके साथ वो विदाउट बैकग्राउंड म्यूजिक है तो उस राइम या उस सॉन्ग से अडेप्ट करने लगेगा धीरे धीरे। इसके बाद आप दूसरा कुछ राइम कर सकते हैं, जब बच्चा इसके साथ अडेप्ट हो जाए दूसरा राइम या सॉन्ग कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कि बच्चा उसको इंजॉय करने लगा है, उसके साथ अडेप्ट हो गया अच्छे से, फिर आप नॉर्मल म्यूजिक राइम जो नॉर्मली इंटरनेट पर अवेलेबल होती हैं, जो बच्चे इंजॉय करते हैं, आप वो प्ले करके देखिए। यू विल फाइंड कि बच्चा उसके साथ भी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहा है और उसको इंजॉय करना भी धीरे धीरे सीख रहा है। ये लास्ट एक्टिविटी जो हम बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि एज पेरेंट्स हम लोगों के माइंड में हमेशा एक ये बैक ऑफ द माइंड कंसर्न रहता है कि अगर हमें किसी पार्टी में जाना है या फिर किसी सोशल गैदरिंग में जाना है जहां हमें मालूम है कि लाउड साउंड हो सकता है, तो वहां बच्चे को हम कैसे लेके जाएं, बच्चा अगर वहां जाएगा तो कहीं सेंसरी ओवरवेल्म ना हो जाए, कहीं वो क्रैंकी ना हो जाए, कहीं वो रोना ना शुरू कर दे, कैसे बिहेव करेगा वहां पे, बहुत सारे डर होते हैं। तो उस केस में वी फाउंड दिस थिंग विद संयम कि जब कभी ऐसा होता था तो हम उसे ना पहले बहुत सारी क्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस करा देते थे या फिर हम उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराते थे जिससे उसकी एनर्जी चैनलाइज हो जाए, एनर्जी उसकी थोड़ी सी रिलीज हो जाए। जैसे कुछ नहीं तो साइकिलिंग कर ली उसने, या फिर बॉल किक एंड थ्रो कर लिया, या फिर फ्रिस्बी के साथ खेल लिए,
एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच इज फन, लेकिन हमें मालूम है कि हाँ बच्चा जिसमें एनर्जी बहुत सारी स्पेंड कर रहा है तो वो थक रहा है थोड़ा। अगर टाइम थोड़ा सा कम है तो बच्चे को घर पे ही थोड़ी सी रनिंग करा दी या फिर स्टेयर्स ऊपर नीचे करवा दिए, उसमें भी एनर्जी काफी रिलीज हो जाएगी बच्चे की। सो द पर्पस इज कि जब बच्चा की एनर्जी थोड़ी सी डिसिपेट होगी, थोड़ा एनर्जी रिलीज होगी, तो बच्चा काम हो जाता है। और बाहर जब आप जाएंगे तो जो साउंड्स का उसका ओवर रिएक्शन होता है उस टाइम पे, वो जो रिस्पॉन्स होता है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। मेक श्योर कि जब बच्चा ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद थोड़ा सा थक जाए तो उसे थोड़ा सा रेस्ट करा दीजिएगा, 5-10 मिनट उसको पानी पिलाइएगा, एंड देन उसके बाद उसको अपने साथ लेकर जाइएगा। आई एम श्योर कि ये एक्टिविटी अगर आप बच्चे के साथ करते हैं वेन एवर यू हैव टू गो आउटसाइड फॉर अ टू अ प्लेस जहाँ पे कि लाउड साउंड होंगे, तो ये आपको जरूर हेल्प करेंगे। जिस तरह हर बच्चे के लिए एक न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़रूरी है उसकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसे हमारे बच्चों के लिए सेंसरी डाइट भी बहुत ज़रूरी है उनके बिहेवियरल इश्यूज को डील करने के लिए, उन्हें एनवायरनमेंट के साथ अडाप्ट करने के लिए, और उन्हें काफ़ी हद तक मेन स्ट्रीम करने के लिए और सोशलाइज करने के लिए। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कि में जो भी हम एक्टिविटीज या थेरेपीज करते हैं उसे हम सेंसरी डाइट कहते हैं, एंड इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द चाइल्ड। ये सभी एक्टिविटीज आप अपने बच्चे को पहले ऑब्जर्व कीजिए, इवैल्यूएशन कराइए उनका एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, और उनसे सलाह लेकर आप ये सब एक्टिविटीज घर पर कर सकते हैं अपने बच्चे को मेन स्ट्रीम करने के लिए, उसको सोशलाइज करने के लिए। अपने बच्चे के साथ काम करते हुए कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए भी ओवरवेलमिंग हो रहा है, एंड वी आर जस्ट एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप, व्हेन एक्चुअली यू आर एट द वर्ज ऑफ गेटिंग अ ब्रेक थ्रू। तो अपने बच्चे का हाथ मत छोड़िए, पेशेंस मत छोड़िए, बिकॉज यू माइट बी जस्ट एट द वर्ज ऑफ गेटिंग अ ब्रेक थ्रू विद योर चाइल्ड। तो कंसिस्टेंट एफर्ट उसके साथ करते रहिए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। डेवलपमेंटल पिरामिड की सेकंड लाइन को आज हमने टच किया और ऑडिटरी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज शेयर इट विद अदर पीपल हु माइट नीड इट। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम विजुअल और ऑल्फैक्टरी सेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। Till then, take care. God bless you.